साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। अपनी बीमारी को जानो और पहचानो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह बायो कॉम्बिनेशन के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं आज, और होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं। तो आपको यदि हमारे वीडियो ठीक लगते हो तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। पहले के वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि बायो कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 एंड 4। आज मैं इस वीडियो में आपको बायो कॉम्बिनेशन 5 एंड बायो कॉम्बिनेशन 6 किस किस बीमारी में काम आते हैं और इनको बनाने में कौन कौन सी बायो केमिक दवाएँ यूज होती हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि इनको बनाने में कौन कौन सी बायोकेमिक दवाएं यूज होती हैं और ये किन किन बीमारियों में या किन किन डिसीज लक्षण में काम आ सकते हैं। तो यदि आपके पास बायो कॉम्बिनेशन नहीं है और बायोकेमिक दवाएं हैं तो आपको मैं वो दवाएं बता रहा हूं जिनको मिलाकर आप स्वयं बना सकते हैं। कोई भी डॉक्टर्स के पास यदि बायो कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो बायोकेमिक दवाओं को मिला के बना सकता है, और इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बायो कॉम्बिनेशन 5 किस काम आता है। बायो कॉम्बिनेशन जो 5 नंबर है वो कोराइजा के लिए यूज होता है। कोराइजा का मतलब होता है सर्दी जुकाम। कोराइजा के लिए यूज होता है, कोराइजा का मतलब होता है सर्दी जुकाम। इसमें जो नेजल ड्रिपिंग होती है, नाक से पानी बहना, छींक आना, जुकाम होना, गले में खराश होना, इन्फ्लेमेशन होना, हल्का सा वायरल फीवर भी इसमें हो सकता है। तो यदि ये सीवियरिटी बढ़ जाती है तो फिर वो 6 नंबर बायो कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा। बाकी सबसे पहला जो सर्दी जुकाम के लिए जो यूज होता है वो बायो कॉम्बिनेशन कौन सा है, 5 नंबर। तो 5 नंबर के बारे में आगे बताते हुए चलते हैं कि जैसे ही आपको ठंडी लगती है या ठंडे पानी से नहा लेते हैं या किसी भी और कारण से गंदा खाना खाने में आ जाता है या कुछ जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, या कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए भी आप ध्यान रखें कि ये कोराइजा के लिए बेस्ट मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूं। तो बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर, जो कि गले में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सर में हल्का सा दर्द भी हो सकता है, वायरल फीवर के शाइन भी थोड़े बहुत आ सकते हैं, छींक है, जुकाम है, खांसी है, हल्का सा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूं कि बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर कोराइजा में वर्क करता है, और इसको बनाने में कौन कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन का यूज होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो इसमें जो बायो कॉम्बिनेशन में बनाने में जो बायोकेमिक दवाएं यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 मेडिसिन। तो सबसे पहली मेडिसिन क्या है, काली म्यूर, काली म्यूर। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। थर्ड मेडिसिन है फेरमफॉस, और फोर्थ मेडिसिन है काली सल्फ। यदि इनको इक्वल प्रोपोर्शन में आप मिला देते हैं और ट्राइचुरेट करते हैं या पीसते हैं तो ये जो बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर है वो आपका तैयार हो जाता है। तो बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर में कितनी दवाएं यूज होती हैं, 4 मेडिसिन, काली म्यूर, नेट्रम म्यूर, फेरमफॉस एंड काली सल्फ। तो इसमें जो एक्सपेक्टोरेशन है वो बलगम है, वो काली सल्फ के कारण हो सकता है कि येलो कलर का यदि आता है तो ये बायो कॉम्बिनेशन मतलब खांसने पर एक्सपेक्टोरेट करता है यदि पेशेंट, और वो भी येलो कलर का है या और भी कलर के भी हो सकते हैं, तो भी ये बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर बेहतरीन काम करने वाला है। अब मैं आपको बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो कि ट्रिपल सी में यूज होता है। इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, कफ, कोल्ड एंड कैटार। तो इसकी जो बीमारी है थोड़ी सी अपडेट होती है, मतलब प्रोग्रेसिव होती है। जब कोराइजा सिंपली रहता है तो 5 नंबर से काम चल जाता है, लेकिन जब कफ, कोल्ड, खांसी, कैटर, गले में दर्द हो सकता है, एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है, यहाँ पर ब्रोंकाइटिस भी आ जाता है, मतलब चेस्ट में भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्नीजिंग भी हो सकती है, खांसी हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, वायरल फीवर है वो पूरा भी हो सकता है। तो यदि ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो फिर 6 नंबर का यूज़ करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि जो बायो कॉम्बिनेशन 5 को बनाने में जो मेडिसिन यूज होती थी वो कितनी थी, 4, लेकिन बायो कॉम्बिनेशन 6 में एक मेडिसिन और बढ़ जाएगी, मतलब 5 बायोकेमिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 6 बनाने में यूज होती हैं। तो सबसे
बढ़िया चीज क्या है कि ये जो थ्री मेडिसिन है, काली म्यूर, नेट्रम्यूर एंड फेरमफॉस, काली म्यूर, नेट्रम्यूर और फेरमफॉस, ये तीनों मेडिसिन कॉमन होती है दोनों में, ये आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो काली म्यूर, नेट्रम्यूर और फेरमफॉस तीनों कॉमन हो गई हैं। अब इसमें काली सल्फ की जगह पर नेट्रम सल्फ आता है, क्योंकि थोड़ा सा नेट्रम सल्फ में ब्रीथलेसनेस का भी ट्रबल आता है। तो काली म्यूर, नेट्रम्यूर, फेरमफॉस, नेट्रम सल्फ और मैकफॉस, अगर चेस्ट में पेन भी होता है ना तो मैकफॉस कवर करती है। इट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पेन, तो मैकफॉस इसलिए इसमें डाल दी। चेस्ट पेन हो सकता है, थ्रोट पेन हो सकता है, सर में हेडेक हो सकता है, मलाइज है या वायरल फीवर के लक्षण हैं, तो भी ये 6 नंबर बायो कम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें कितनी मेडिसिन हो गई, 5 मेडिसिन, काली म्यूर, नेट्रम्यूर, फेरमफॉस, ये 5 की कॉमन है। और इसमें काली सल्फ की जगह पर नेट्रम सल्फ आ जाता है। और नेक्स्ट है 5th नंबर का मैकफॉस। तो हमने आपको इस वीडियो में 5 नंबर बायो कॉम्बिनेशन और 6 नंबर बायो कॉम्बिनेशन किस किस बीमारी के लक्षणों में काम आते हैं और इसमें कौन कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन मिलाकर इनको बनाते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आपके पास बायो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, यदि बायोकेमिक दवाएं हैं, तो आप इनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाकर बायो कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को दे सकते हैं। तो यदि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा वीडियो या हमारे पास जो भी नॉलेज है मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, तो ये यूट्यूब जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम बुक्स लिख नहीं पाते तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं अपनी नॉलेज आप तक शेयर कर रहा हूं। आपको यदि ठीक लगते हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।